तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है प्रवास जीवन एंड फिटर फार्मूला चैनल में। आज मैं आप लोगों को एक मतलब जो है चीज़ बताऊंगा कि बोल्ट का मैट्रिक बोल्ट स्पेसिफिकेशन क्या होता है, बोल्ट का स्पीच क्या होता है, और बोल्ट का जो है कि डेप्थ डेप्थ क्या होता है, बोल्ट का हाइट किधर से किधर मेजरमेंट करना है, और बोल्ट हेड किसको बोलते हैं, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। चलिए देख लेते हैं कि मैट्रिक बोल्ट स्पेसिफिकेशन। मैट्रिक बोल्ट स्पेसिफिकेशन कि M 12 गुना 1.5 गुना 40। अगर आपको ऐसा एक मतलब लिस्ट दे देगा तो इस लिस्ट में आपको कैसे पता चलेगा कि M12 क्या है, 1.5 क्या है, ठीक है, तो इसमें और 40 क्या है। 40 mm का जो है इसमें क्या है कि M12 का मतलब जो है ना कि मैट्रिक डाया। एम का मतलब है कि मैट्रिक मैट्रिक, और 12 का जो है मतलब कि डाया डाया। अभी M12 हो गया, अभी इसमें 1.5 का काम क्या है इसमें कि ये एक नंबर हो गया। दो नंबर का जो है कि 1.5 का जो है मतलब है कि स्पीच, ये है स्पीच। और जो तीन नंबर जो है 40, 40 का क्या है, 40 है इसमें हाइट हाइट हाइट। ये हाइट क्या है कि बोल्ट का हाइट, बोल्ट बोल्ट का हाइट। इसमें मान के चलिए कि M12, इसमें M12 का एक नॉर्मल देख लीजिए कि देखिए ऐसा, ये क्या है कि बोल्ट, ये है बोल्ट। इसमें इसमें कि इसको क्या बोलते हैं कि M12, M12 इसके हिसाब से, ए फॉर्मूला के हिसाब से इसका क्या है कि M12। अभी इसमें 1.5 क्या है इसमें कि 1.5 का जो है ना स्पीच, स्पीच किसको बोलते हैं कि देखिए अभी इसमें देखिए मैं किधर से किधर ले, ये है थ्रेड। अभी ये बोल्ट का थ्रेड है, एक थ्रेड से दूसरा जो थ्रेड है उसके बीच में जो गैप है, बोल्ट का जो है थ्रेड एक थ्रेड से दूसरा थ्रेड जो है उसका गैप को बोलते हैं कि स्पीच, उसका गैप को क्या बोलते हैं स्पीच, ये है स्पीच। स्पीच 1.5 mm, और इसका जो है गड्ढाई मतलब डेप्थ इसका जो, ये देखिए ये जो है ना जो एक थ्रेड से दूसरा थ्रेड के बीच में जो गड्ढाई है उसको क्या बोलते हैं डेप्थ। डेप्थ तो इसमें अभी इसमें देखिए ये और एक चीज है कि ये है M12 हो गया। अभी हो सके कि आपको ऐसा फॉर्मूला दे दे कि इसमें M12 ना दे, इसमें मान के चले कि M16 गुना 2.5 गुना 100। अभी इसमें ये है बोल्ट, मान के चलिए बोल्ट हो गए। इसमें M16
M16 क्या है? ये है M16 का क्या काम है? इसमें कि बोल्ट M16 से पता चल जाता है, M12 से मतलब M से पता चल जाता है कि आपका बोल्ट का साइज क्या है, मतलब कितना mm का बोल्ट है, कि M12 मतलब 12 mm का बोल्ट है, और 16 का मतलब है कि 16 mm का बोल्ट है, और M12 का मतलब है कि 12 mm का बोल्ट है, और M16 का मतलब है कि 16 mm का बोल्ट है। हो सके तो M20 रहेगा, M8 रहेगा, M6 रहेगा, तो M जितना भी रहेगा उससे मतलब नहीं है, M के पास जितना भी रहेगा वो आपका बोल्ट का साइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान के चले कि M लिखा है M का, उसके बाद 2.5 लिखा है, उसके बाद कुछ नहीं लिखा है, 2.5 में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ 2.5 नहीं तो 1.5, 1.8, 1.6, उसमें देखिए वो होता है कि बोल्ट का स्पीच, उसमें अगर स्पीच लिखा रहेगा तो आपको पता चलेगा कि वो है बोल्ट का स्पीच, नहीं लिखा रहेगा तो M जितना रहेगा M8, 12, 16, 20, 18 जो भी है उसके बाद जो रहेगा वो होता है कि बोल्ट का स्पीच। स्पीच का जो है काम तो हमने बता दिया हम पहले ही कि एक थ्रेड से बोल्ट का, एक थ्रेड से दूसरा जो थ्रेड है उसका बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं कि स्पीच। तो इसका जो काम है हो गया कि ये स्पीच हो गया। अभी लास्ट वाला जो है कि 100 mm, इसमें क्या है 100 mm और इसमें क्या है 40। तो देखिए ये है उसमें कुछ भी दे दे, 80 mm दे दे, 60 mm दे, जो भी दे दे, वो होता है कि बोल्ट का हाइट। अभी इसमें बोल्ट का हाइट तो हमको पता चल गया कि 100 mm का बोल्ट चाहिए हमको, नहीं तो 40 mm का जो भी है दे दिया, लेकिन बोल्ट का हम बोल्ट का जो है कि हाइट किधर से लेंगे, बोल्ट का हाइट क्या होता है, ठीक ना। तो बोल्ट का जो हाइट है कि इधर से देखिए, बोल्ट का हाइट है 100 mm, इधर से इधर तक बोल्ट का हाइट लेते हैं, और इसका जो है इधर से यह है 40 mm, तो बोल्ट का यही हाइट होता है कि इधर से नहीं, टॉप से नहीं, जिधर से थ्रेड चालू हुआ मतलब इधर से, इधर से इधर से, इसका बोलते हैं कि बोल्ट का हाइट है 40 mm, 100 mm, 60 mm जो भी रहेगा वो होता है कि बोल्ट का हाइट। और एक चीज है इसमें, देखिए अभी इसमें क्या है, इसमें एक डिग्री दिखाई दे रहा है, देखिए इधर से एक डिग्री आया ना, एक डिग्री कितना डिग्री में रहेगा आपको अगर कोई पूछे तब क्या बताएंगे, उसमें एक बोल्ट का तो डिग्री होता है ना। तो इसमें देखिए एक चीज देख लीजिए कि एक नंबर जो बोल्ट एमएम साइज का हो तो उसका जो डिग्री होता है ना वो 60 डिग्री में होता है कि एमएम साइज बोल्ट 60 डिग्री। दूसरा जो है जो देखिए अभी इसमें क्या है ना, एमएम साइज का हो तो एमएम साइज का हमको कैसे पता चलेगा कि वो एमएम साइज का है। देखिए एमएम 1.5 है जो भी एमएम साइज का हो गया, ए 1.5 एमएम हो गया। अभी एक इंच वन कितना एमएम है, एक इंच वन 25 mm, तो 2.5, तो इसमें क्या है 25 जो है ना, जो अगर 25 के ऊपर रहेगा, एक इंच मतलब 25 mm है ना, तो 25 mm का अगर ऊपर रहेगा, इसमें देखिए 2.5 तो 25 mm का ऊपर हो गया ना, तो अगर 25 mm का ऊपर रहेगा मतलब एक इंच का ऊपर रहेगा तो उसका कुछ जो डिग्री है ना ये 60 नहीं रहेगा, 55 डिग्री रहेगा। तो इंच के हिसाब से देखिएगा तो इंच साइज बोल्ट 55 डिग्री, ठीक है, ये क्या है 55 डिग्री। और एक चीज है इसमें कि ये जो है बोल्ट का जो ऊपर वाला जो हिस्सा जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसका जो है नाम है कि बोल्ट हेड, इसको क्या बोलते हैं बोल्ट हेड। और ये भी सेम है, इसको भी क्या बोलते हैं बोल्ट हेड, इसको बोल्ट हेड बोला जाता है, ठीक है। अगर कभी भी आप लोगों को अगर कोई ऐसा सवाल पूछे तो कि M12, M18, M20, उसके बाद मतलब जो गुना है 1.5,
मतलब एमएम के हिसाब से, नहीं तो इंच के हिसाब से लिखा रहेगा। उसके बाद है जो कि 100 एमएम हो सकता है, 20, 60, कुछ भी लिखा रहे, उसमें डरने का जरूरत नहीं है। हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि एम का जो होता है कि बोल्ड का जो है मैट्रिक डाया, ठीक है, और उसके बाद जो लिखा रहेगा वो है स्पीच, मतलब बोल्ड का जो एक थ्रेड से दूसरा जो थ्रेड है उसका दूरी है, मतलब गैप, वो है स्पीच। वो अगर एक इंच के नीचे रहेगा तो उसका क्या है डिग्री जो रहेगा, गैप का जो डिग्री है उसका क्या रहेगा 60 डिग्री, वो एम के हिसाब से हो गया। अगर वो इंच के हिसाब से रहेगा, मतलब एक इंच मान आपको पता चल जाएगा ना कि एक इंच मतलब 25 mm है, तो 25 mm से ऊपर रहेगा तो 25 mm भी रहेगा, अगर 25 mm से ऊपर भी रहेगा तो वो होगा कि 55 डिग्री, उसका जो है डिग्री स्पीच का डिग्री 55 डिग्री आएगा। उसके बाद अगर कोई डेप्थ पूछेगा तो दो जो थ्रेड है बोल्ट का जो थ्रेड है, एक थ्रेड से दूसरा जो थ्रेड है उसका जो गड्ढा ही है उसको बोलते हैं डेप्थ, और इसका जो है बोल्ट का हाइट, हमेशा बोल्ट का हाइट होता है कि ये जो है ना इधर से इसको लास्ट से इसका बोल्ट का हाइट मेजरमेंट किया जाता है। और उसके बाद बोल्ट का ऊपर में जो राउंड वाला जो हिस्सा रहता है, पार्ट रहता है उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं कि बोल्ट हेड, उसको क्या बोला जाता है बोल्ट हेड, ठीक है। आज का वीडियो यही तक है, तो आप लोगों अगर कॉन्ट्रक्शन के ऊपर जो भी वीडियो चाहिए आप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके प्यार से कमेंट कीजिए कि हमको इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों को वीडियो चाहिए, तो बताइए हमको, तो जरूर हम उसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और अपलोड भी कर देंगे, ठीक है। अगर इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।